नमस्कार दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के बाद हमारी भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच इगोर स्टीमेच और हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी के ऊपर ना भैया खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि इतने खराब प्रदर्शन के बाद जो हमने अफगानिस्तान वाले मैचेस के अंदर देखा, उसका भैया देखो इनको फैंस के गुस्से का तो सामना करना ही पड़ा, लेकिन उस चीज़ से इन दोनों को तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैंस का गुस्सा अभी से नहीं काफ़ी लंबे समय से आ रहा है और फैंस तो काफ़ी लंबे समय से ये भी डिमांड कर रहे हैं कि कोच को सैक कर देना चाहिए, लेकिन उस चीज़ में कोई डेवलपमेंट नहीं दिखी। लेकिन अब हुआ क्या, इनके लिए दिक्कत वाली बात क्या है कि भैया हमारी जो मेन खिलाड़ी है ना, इंडियन गवर्नमेंट यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो अब इस मैटर के बीच में कूद चुकी है आके। क्योंकि भाई देखो, ऐसा कहा जाता है कि हर मोहब्बत की आखिरी सांसें होती हैं और वैसा ही कुछ सिनेरियो इनके केस में अब स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि जितने लंबे टाइम से ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते आ रहे थे, अब इनके लिए दिक्कत वाली बात क्या हुई कि भैया टीम का जितना खराब प्रदर्शन था ना अफगानिस्तान के सामने, वहां से हमारी पूरी फुटबॉल फेडरेशन की कमेटी एक्सपोज हो चुकी है, कोच एक्सपोज हो चुके हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा फैंस को यही दिक्कत थी कि भैया हमारी टीम के अंदर ना तो गेम प्ले में सुधार आ रहा है ना फिर टैक्टिक्स के अंदर सुधार आ रहा है, और ऐसे में हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इस चीज़ को काफ़ी लंबे समय से नोट करती आ रही थी, उन्होंने अब क्या किया, हमारे कोच इगोर स्टीमेच और इंडियन फुटबॉल के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी दोनों को भैया नोटिस भेज दिया है और इनको अब अपने रेडार में ले लिया है। और इन्हीं दोनों को हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब मीटिंग पर बुलाया है कि आ जाओ भैया, थोड़ी आपसे अब बातचीत लेनी है। क्योंकि भाई रिपोर्ट्स में ऐसी बातें सामने आई है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस बात से दिक्कत है कि हमारी जो नेशनल सीनियर टीम है या फिर हमारा जो पूरा इंडियन फुटबॉल का जो सर्कल है, इसके ऊपर जो इतनी इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, जो इनको इतना बजट दिया जा रहा है, उसका एक्चुअल में फ़ायदा हो क्या रहा है। क्योंकि इन द एंड हमारी टीम फीफा क्वालिफायर्स में तो अफगानिस्तान के सामने ही आ रही है, एक उस टीम से आ रही है जिनका पूरा फुटबॉल का तो भैया वहाँ पर डेवलपमेंट ही बिगड़ा हुआ है, गवर्नमेंट भी वहाँ से उनको इतनी कोई हेल्प नहीं कर रही है, उसके बावजूद वो टीम हमारे होम ग्राउंड पर ही हमें हरा कर जा रही है और वो भी उस मैच में हरा कर जा रही है जहाँ पर हमारी टीम का जीतना बहुत जरूरी था। तो ऐसे में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये कहना है कि भैया ना तो आपके अंदर कोई सुधार आ रहा है और हम इतना बजट जो नेशनल टीम के ऊपर खर्च कर रहे हैं उसका भी कोई रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है उनकी भी और हमारे हेड कोच इगोर स्टीमेच की दोनों की गलती है और दोनों से इस मैटर पर अब बात करना बनता है। ठीक है भैया, हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी का ये कहना है कि इगोर स्टीमेच के ऊपर जो इतना खर्चा किया जा रहा है, इनकी भैया जो सैलरी है ना $30,000 है, यानी अगर इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें ना 25 लाख के आसपास इनकी महीने की सैलरी है। तो उनका ये कहना है कि भैया अगर इनको इतनी सैलरी दी जा रही है तो रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है, ये जो हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनके ऊपर, बदले में ये हमारी इंडियन फुटबॉल को क्या दे रहे हैं और रिजल्ट्स तो कोई आ ही नहीं रहे हैं। तो ये जो हमारी जितनी भी फंडिंग है, जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, सब वेस्ट जा रही है। तो इसलिए कोच के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिल्कुल मन बना रखा है कि इगोर स्टीमेच को सैक कर देना चाहिए। लेकिन वो कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सैक करती है तो ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और ये चीज़ नहीं करी जा सकती। इसलिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब इंडियन फुटबॉल फेडरेशन से इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि कोच को सैक कैसे किया जा सकता है। और वहीं भैया अब एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करें ना, जिसका इंडियन फुटबॉल के फैंस को सुनने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार है कि भैया हमारे हेड कोच इगोर स्टीमेच आखिर सैक कब होंगे, इतनी खराब प्रदर्शन के बाद भी उनको सैक नहीं किया जा रहा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखो भैया, अब आपको आसान आसान भाषा में समझाता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। हमारी टीम ने जब साफ कप जीता था ना, वहाँ पर बांग्लादेश, नेपाल, लेबनान, कुवैत जैसी टीमों को हराया था, तो वहाँ से हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को लगा कि अरे भैया ये तो बहुत कमाल के कोच हैं, इन्होंने हमारे को साफ कप जितवा दिया। तो अब इन्होंने किया क्या, 2023 में वो हुआ था, सीधा वहाँ से इन्होंने क्या किया भैया, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया इगोर स्टीमेच का, और ये भी नहीं कि एशियन कप तक के बाद का किया जाए, इन्होंने सीधा कर दिया 2026 तक का। अब इस चीज से दिक्कत क्या हुई कि भैया अब जब इनको सैक करने की बात आ रही है ना, तो अब इसमें दिक्कत ये है कि एक तो सबसे पहले सेटलमेंट के अंदर कोई भी क्लॉज नहीं है कि अगर हमारी टीम खराब प्रदर्शन करती है तो इनको हटा दिया जाएगा, ऐसा कहीं भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं था। अब इसी रीजन की वजह से अगर इगोर स्टीमेच को हटाया जाता है तो भैया हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को उनकी पूरी जितनी भी सैलरी है ना, सब एक साथ पे करनी होगी अगले आने वाले 2 साल के लिए। यानी ऐसा मान लीजिए अगर एक महीने की सैलरी 25 लाख है तो 2 साल तक ये रहने वाले थे,
यानी अराउंड एंड अराउंड 6 करोड़ के आसपास समझ लो। तो भैया ऐसा मान लो 6 करोड़ एक साथ हैंड टू हैंड हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को ईगो श्रीमैच के हाथ में पकड़ाने होंगे। तो भैया यहाँ से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन देगी, जो पहले से ही फंड्स का रोना करती आ रही है। और हमारी फुटबॉल फेडरेशन ने तो इतना भी कह दिया कि अगर हम इनको एक साथ पे कर भी देते हैं ना 6 करोड़ रुपए, तो इससे हमारी जेब में बहुत बड़ा झटका आ जाएगा और इसी रीजन की वजह से हमें स्टीमर को अभी रोकना पड़ रहा है फिलहाल जून तक के लिए। और ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रही है कि हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी ने एक मीटिंग बिठाई है 5 मेंबर्स के साथ, जहां पर ईगो स्ट्रीमर्स के फ्यूचर के ऊपर हम बात करी जा रही है कि भैया इनको अभी इमीडिएटली सैक कर देना है या फिर देखना है कि कुवैत वाले मैच में क्या होता है। क्योंकि अगर अब इनको यहाँ से देखो, एक बात तो कंफर्म है, इनको डेडलाइन दे दी गई है कुवैत वाला मैच। अगर वहां पर भी प्रदर्शन अच्छा नहीं होता या फिर भारतीय टीम हार जाती है तो भैया सीधे इनको क्रोएशिया की टिकट करवा के दे दी जाएगी, अगर नहीं तो उसके बाद की बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल में भी ऐसा कहा जा रहा है कि भैया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ईगो स्ट्रीमैच को सैक करने में। इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के अंदर की जितनी भी टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ईगो स्ट्रीमैच को सैक करने के लिए। और अब फाइनल कॉल हमारी AIFF के हाथ में है कि इनको सैक करना है या नहीं। अगर सैक करना है तो 6 करोड़ की रकम ईगो श्रीमैच को साथ में देनी पड़ेगी, क्योंकि भैया ये ईगो श्रीमैच ने एक बहुत दिमाग की गेम खेली थी कि एक ही पारी में इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि अब उसका सारा पैसा इनको एक साथ देना पड़ेगा। वो खैर यहाँ से इनको एक सबक भी मिल जाएगा कि अगला जो भी कोच करेंगे अनाउंस उसको कभी भी इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखेंगे ये। तो भैया ऐसे में अब ईगो श्रीमैच के कॉन्ट्रैक्ट का टोटल सिनेरियो लास्ट में ये बना है कि हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन थोड़ा सा प्रेशर डाल रही है इनके ऊपर कि ये खुद ही अपनी तरफ से क्विट कर दे। अगर ये खुद ही छोड़ के चले जाते हैं तो एक अलग बात है, तो मे बी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को इनको उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन भैया सामने वाला बंदा खुद अपनी तरफ से छोड़ने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को भी ऐसी न्यूज आ रही है कि ईगो श्रीमैच के साथ जून तक फिलहाल कंटिन्यू करना पड़ेगा, जो थोड़ी सी फैंस के लिए भैया दुख वाली बात है, क्योंकि सब इसी इंतजार में थे कि कब इनको सैक किया जाए। क्योंकि भैया ईगो श्रीमैच तो ऐसा कह रहे हैं, मैंने 3 हफ्ते के कैंप की डिमांड करी है इंडिया और कुवैत के मैच के लिए, और उन मैचेस के लिए मैं आई लीग के प्लेयर्स को भी बुलाऊंगा। तो भैया देखो, फैंस तो इन सब बातों में नहीं आने वाले हैं। अब चाहे आप आई लीग के खिलाड़ियों को बुलाओ, चाहे ISL के बुलाओ, या फिर प्रीमियर लीग या ला लीगा के खिलाड़ियों को बुलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जाना है तो जाना है, अब तो चाहे जितवा भी दो कुवैत के साथ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आप जाओगे। अब इसके अलावा हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी के लिए एक और दिक्कत वाली बात क्या है कि भैया इनके ऊपर जो पहले से केस चलता आ रहा था ना कि इन्होंने फंड्स का मिसयूज किया है, उसके लिए इनको भैया आप कोर्ट में जाना होगा, इस केस की सुनवाई करी जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश के फुटबॉल के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने बोला है कि 110% कल्याण चौबे जी को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा और कोई नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाएगा इंडियन फुटबॉल के अंदर। अब जब ये नया प्रेसिडेंट आएगा ना, तो एक नई कमेटी बनाई जाएगी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के अंदर, और फिर वो कमेटी डिसाइड करेगी कि इंडियन फुटबॉल को कैसे लेकर चलना है। तो इसी चीज की वजह से कल्याण चौबे जी के लिए दोनों तरफ से दिक्कत आ चुकी है, एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से और भैया दूसरा उनके केस की तरफ से। और ऐसा माना जा रहा है कि कल्याण चौबे जी को भी उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। तो भैया जितनी भी ये सारी स्टेटमेंट्स आई हैं ना, अभी जितनी मैंने आपको बताई है, अब इन सब का कंक्लूजन पता क्या निकलेगा, ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी वाली बात है ना, वो भी जितना भी सिनेरियो देख रही होगी ना इंडियन फुटबॉल के अंदर, तो जितना इन्होंने बजट पहले दे रखा होगा ना, अब अगली बार उससे भी ज़्यादा काट कर ये बजट देंगे इंडियन फुटबॉल को। और होगा क्या, अगली जो भी कमेटी होगी ना, अब चाहे वो यही हो चाहे कोई और है, वो बोलेंगे भैया देखो बजट की तो वैसी कमी चल रही है, तो मे बी अगले सीजन में भी शायद आप लोगों को VAR ना देखने को मिले। तो ऑनलाइन गाइस यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।